जो भी हमारे पास उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे सारे मैंने अपलोड किए। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं या फिर प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.9 की बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 3.9 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक बेसिक और छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी डेफिनेशन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आगे एक्सरसाइज 3.9 को समझना आपके लिए ईजी हो, आसान हो। तो ये जी हमारे पास लीनियराइजेशन या फिर स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.9 को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हम लोग पहले समझेंगे, बाद में हम जो है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.9 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि लीनियराइजेशन बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को बताऊंगा, इसका फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद हम जो है वो इसी के रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जो कि बुक में आई थी एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक वीडियो लेकर आता हूं आपको मिले उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। कहता है जी डेफिनेशन यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं साथ नोट कर सकते हैं। कहता है जी इफ दी फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन एफ है, जो भी उसने फंक्शन दिया हुआ है, इफ द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, अगर कहता है जो आपके पास फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल, इफ द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी जो है उसने आपको पॉइंट दिया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, इफ द फंक्शन एफ कोई भी आपके फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए उस पॉइंट के ऊपर, देन फिर हमारे पास देन द अप्रोक्सीमेशन फंक्शन, फिर हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, देन द अप्रोक्सीमेशन फंक्शन हमारे पास फार्मूला होगा इसका एल ऑफ एक्स, एल बेसिकली जो है वो लीनियराइजेशन को डिनोट कर, एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ इंटू ए प्लस एफ प्राइम इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए। ये बेसिकली आप लोगों के पास जो है वो फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लें, यही फार्मूला हमने लीनियराइजेशन में यूज करना है। कहता है कोई भी फंक्शन एफ है वो डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट जिसने आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, देन द अप्रोक्सीमेशन फंक्शन, फिर जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन फंक्शन या स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन या लीनियराइजेशन फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जो भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो उस एक्स की जगह पे हम लोग ये जो ए पुट करेंगे, एक्स उसने हमें ए के इक्वल दिया हुआ है, तो जो भी हम उसने क्वेश्चन में ए दिया होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा, जब करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से हमने उसका डेरिवेटिव लेना और साथ हमारे पास ये जब उसको सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली ये हमारे पास का फार्मूला है इज कॉल्ड, यही हमारे पास है ना, इज कॉल्ड लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन एफ, जो भी हमारे पास फंक्शन है एफ एट पॉइंट ए, ठीक है जी। और जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है, इसके अंदर जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है वो क्या होगी, दी अप्रोक्सीमेशन, ये जो बेसिकली आपके पास फंक्शन दो होगा उसने क्वेश्चन में दिया होगा एफ ऑफ एक्स, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा एल ऑफ एक्स के, यानी कि लीनियराइजेशन के, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेशन फंक्शन एफ है वो लीनियराइजेशन के आपके पास इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ठीक है, इस फंक्शन के। इसको ये फार्मूला हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एंड पे हम कहेंगे कि जो उसने में क्वेश्चन में फंक्शन दिया वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लीनियराइजेशन, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग ये चीजें याद रख लें, हम लोग आप एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, एग्जाम्पल को देखेंगे आपको ईच एंड एवरीथिंग जो आपका यहाँ पे गैप रहता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, बुक वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक में हम उसने दिया फाइंड द लीनियराइजेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है जी एफ ऑफ एक्स इज विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स एट, उसने आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखें जी कहता है कि फाइंड द लीनियराइजेशन,
कहता है इस ये क्वेश्चन उसने आपको फंक्शन दिया होगा, इसकी आप लोगों ने लीनियरइजेशन आपने फाइंड आउट करनी है। फंक्शन उसने आपको एफ ऑफ एक्स का दे दिया, उसने आपको पॉइंट भी दे दिया, यहाँ पे बेसिकली जीरो से ए के इक्वल, यानी कि कोई भी आपका पॉइंट है, कॉन्स्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस फार्मूला का हम लोगों ने यूज करना है। इस फार्मूले के सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे आप लोग एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं। एफ ऑफ ए मैं कैसे निकालूंगा, देखें एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू, अब इसके अंदर एक्स की जगह हमने ए पुट करना है और ए यहाँ पे जीरो है, तो एक्स की जगह हम लोगों ने जीरो पुट करना है, तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दें, वन प्लस जीरो का स्केयर रूट विच इज इक्वल टू, ये बनेगा वन का स्केयर रूट आपके पास वन ही होता है, ये आपके पास आ गया एफ ऑफ ए। देखिए ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब हमने एफ ऑफ ए निकाल लिया, अब हमें चाहिए एफ प्राइम ऑफ ए, इनके इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं जी एफ डैश ऑफ ए विच इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो है ना वो बेसिकली ये फंक्शन है एक्स की, हम लोग यहाँ पे ए लगाते हैं एफ ऑफ, हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इसकी जगह पे एफ प्राइम ऑफ ए की जगह पे हम लोग एक्स पुट कर देते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, हम लोग डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं जी डी ओवर डी एक्स, एक्स एक्स का फंक्शन, तो एक्स की रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स को आप लिख सकते हैं वन प्लस एक्स इसकी पावर वन बाय टू, हम लोग स्क्वायर रूट को खत्म करके वन बाय टू भी लिख सकते हैं। अब आप लोग लेंगे जी इसका यहाँ पे डेरिवेटिव, तो ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ ए विच इज इक्वल टू वन बाय टू, पावर रूल लगे पावर रूल में वन बाय टू पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा वन प्लस एक्स, वन बाय टू की पावर में एक माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस वन बाय टू, और अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे वन प्लस एक्स का, तो वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ठीक हो गया जी। ये चीज आपके पास बन जाएगी, तो एफ प्राइम ऑफ ए विच इज इक्वल टू वन ओवर, इसको नीचे ले जाते ये टू है और नीचे आगे बन जाएगा जी स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स आ जाएगा। अब आप लोग बेसिकली एक्स किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे जो है आप लोग ए को जीरो रखेंगे, जीरो पुट करके चेक करेंगे तो ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू वन प्लस जीरो का स्केयर रूट, तो ये वन वन का स्केयर रूट वन ही होता है, वन ओवर टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन ओवर टू आ जाएगा, यही बेसिकली आपके पास एफ प्राइम ऑफ ए है, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ ए, क्योंकि ए हमारे पास यहाँ पे जीरो के इक्वल है, ये इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इजिली इनकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें, तो यहां लिख सकते हैं आप लोग पुटिंग इन वन, सारी की सारी वैल्यूज इसमें वन में पुट कर देते, ये बन जाएगा आपके पास एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, सबसे पहले जी आपके पास एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए भी हमने यहाँ पे वन निकाला था वन प्लस, उसके बाद एफ डैश ऑफ ए या एफ प्राइम ऑफ ए वो हमारे पास वन बाय टू है, वन बाय टू लिखें, उसके बाद जी आपके पास एक्स माइनस ए, तो ए बेसिकली जीरो है, ये यहाँ पे ए जीरो है तो एक्स माइनस जीरो, या फिर एक्स माइनस जीरो लिख लें या अकेला एक्स लिख लें, तो एल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई, तो एक्स ओवर टू आ जाएगा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा थी, ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है ये फंक्शन की एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है एल ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन है ये वाला फंक्शन, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया वन प्लस एक्स ओवर टू, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज के लेक्चर का। हमारे पास जो एग्जाम्पल थी हमने इसको भी देखा, हमने इसकी डेफिनेशन को भी देखा, ये मैंने इसलिए करवाना जरूरी समझा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.9 आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड करें, इसलिए अभी तक अभी आपने लाल बटन को प्रेस नहीं किया वो प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर लेके आता हूँ आपको मिले इसका नोटिफिकेशन, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर कहीं से आपको कोई क्यूरी होती है आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप लोग हैंड रिटन को नोट्स थॉमस के वाले से हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।